मैं घास कटू लू तो पुआ बांधी ले हाईवे मैं करू लू यादा नरना भी ना वे। हम लोग कोटद्वार आए थे तो एक जैसे रामलीलाओं का सीजन होता है तो रामलीला में मुझे कहा गया कि आप एक गीत गाने के लिए आइए। तो उस टाइम मैं पहली बार मैंने इनको भी देखा तो बड़ी अच्छी उंगलियां चल रही थी तो अच्छा लगा मुझे भी। तो इनकी उंगलियां चली मैंने थोड़ा गला चला दिया। उनके कंपटीशन में कलाकारों को फायदा होने लगा कि एक कंपनी कहने लगी हमारे वहाँ गीत गाओ हम तुम्हें इतना देंगे, दूसरी कंपनी कहने लगी भाई आज हमारे वहाँ करिए आप। तो कंपनियों की जो प्रतिस्पर्धा थी उसमें हमारे लोक कलाकारों को बहुत अच्छा फायदा मिला जब कैसेट की दुनिया शुरू हुई। तुम थे मेरी सासु तो अगर मैसअप हो रहा है तो इसको बुरा हमें नहीं मानना चाहिए क्योंकि कुछ गीत इतने पुराने हैं जो अब के बच्चों ने सुने नहीं है क्योंकि कम से कम हमारे जो पुराने लोकगीत हैं जो हमारी संस्कृति जिसके अंदर झलकती थी। आजकल के बच्चे तो डीजे वाले हो गए थोड़ा सा रैप हो गया पॉप हो गया वो करते लेकिन कम से कम उस गीत उन्हीं चीजों में अगर हमारे अपने उत्तराखंड की संस्कृति की अगर झलक दिखती है तो ये बुरा नहीं। हमारे साथ एक बहुत बड़ी समस्या होती थी कि हमें एक दिन में ही 8 गीत फिल्मांकन कर 8 गाने। हमने जब वो नैनताला की मधुली किया वो 8 गाने एक दिन में शूट किया और वो नैनताला की मधुली का वीडियो प्रोड्यूसर रुपए ही नहीं संभाल पाया। वो आज भी कहता है यार चौहान जी ऐसा एल्बम एक और बनाओ। तो प्रोड्यूसर जो पैसे संभाल नहीं पाया आपने बोलना था ना इधर दे तो मैं संभाल देता हूँ। वो फिर हुआ क्या कि वो हमारे 20,000 वाला जो बजट था वो फिर 2 लाख वाले में बर्बाद हो गया ना। उसको बर्बाद करने वाले भी और बैठे थे वहाँ। प्रणाम उत्तराखंड, मैं हूँ आरजे काव्य और आज का ये जो एपिसोड है बहुत स्पेशल होने वाला है। दरअसल होता क्या है कि जब हम उत्तराखंड से आते हैं छोटी छोटी जगहों पे हमारे पास न मॉल होते हैं न सिनेमा हॉल होते हैं। हमारे पास होता है तो हमारे वहाँ लगने वाले कौतिक मेले और जो आर्टिस्ट वहाँ पे आते हैं हमारे लिए हम उनके फैन हो जाते हैं वो हमें प्यार करते हैं। तो ऐसे ही एक आर्टिस्ट जिनको देख के मैं बड़ा हुआ, हमने गाना सीखा, समझा कि म्यूज़िक क्या होता है, अच्छा हमारे यहाँ भी इतने कमाल के आर्टिस्ट हैं वो हमको मालूम चला। तो मेरा सौभाग्य कि आज मैं बैठा हूँ उन्हीं के साथ, कल्पना चौहान जी और साथ में राजेंद्र सिंह चौहान जी, बहुत स्वागत आपका हमारे शो पे। धन्यवाद। तो हम तो क्या है, आप स्टेज पे होते थे, हम ऑडियंस में कहीं 10,000 लोगों में होते थे, हैं वहां से तालियां बजा रहे होते थे और आज ये मौका मिल गया कि हम साथ में बैठ के आपसे सवाल करने का मेरे को मौका मिल गया। हमारा भी सौभाग्य है कि आपने हमें सुना है लेकिन आज हम आपको सुन के आपको जवाब दे रहे हैं। कमाल है। तो मैं जो पहला सवाल पूछने जा रहा हूँ, मैंने सबसे पहले आपको बागेश्वर के उत्तरायणी कौतिक में देखा था और आज तो सर जो है महाकौतिक तक उसको पहुंचा दिया है उन्होंने, तो ये जर्नी आपकी और आपकी दोनों की कैसी रही? बड़ी लंबी जर्नी थी जिसमें हम लोगों ने बहुत अच्छा भी देखा बुरा भी देखा लेकिन ये है कि कुछ खट्टे मीठे पलों के साथ साथ जब हम आगे बढ़ते गए तो आज बड़ी खुशी होती है कि हम लोगों ने जो पहली सीढ़ी में पैर रखा था आज हम ऊंचाई पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम उत्तराखंड को प्रमोट करते हैं उत्तराखंड के लिए क्योंकि हमारी 35-40 साल की जो एज गुजर चुकी है उत्तराखंड के लिए, तो हमें बड़ी खुशी होती है कि चलो हम लोगों ने जो बीज बोया था वो फूल के रूप में अगर आ रहा है तो ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है। क्या बात है। राजेंद्र सिंह जी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आज जब दिल्ली NCR में रहने वाले तकरीबन 30-35 लाख लोग अगर अपने गाँव नहीं जा पाते तो कोशिश करते हैं कि वो महाकौतिक में ज़रूर आ जाएँ, तो कैसी अनुभूति होती है? ये एक बड़े सुखद पल हैं कि हमने एक कोशिश करी, एक प्रयास किया कि NCR में जितने भी हमारे पहाड़ के लोग हैं कि ये एक जगह एकत्रित हों और पहाड़ के ऐसी ऐसी चीज़ें, वहाँ की लोक संस्कृति, वहाँ की परंपराएं, वहाँ के रीति रिवाज, जो लोग विलुप्त हो चुकी हैं जो चीज़ें, और जो लोग अपने गाँव भी नहीं जा पाते हैं बहुत कोशिश करने के बावजूद भी, वो कितने ही उनको संदेश दे दो आप पलायन के भी और अन्य चीज़ों के लेकिन वो फिर भी नहीं जाते हैं,
तो उन सब को उत्तराखंड का एक एहसास दिलाने के लिए वहाँ की जो बेटी बुआरियाँ सब वहाँ पर जब एकत्रित होती हैं और अपनी वेशभूषा में होती हैं तो ऐसा लगता है कि मानो पूरा पहाड़, पूरा उत्तराखंड गाजियाबाद ज़िले में आ गया। तो एक कोशिश है, और वहाँ की जब पहाड़ की चीज़ें वहाँ पर लोगों को उपलब्ध होती हैं, वहाँ की चीज़ें उनको मिलती हैं, तो वो बहुत उसका इंतज़ार भी करते हैं, और अब तो बहुत बेसब्री से इंतज़ार होता है कि माह दिसंबर कब आएगा और महाकौतिक कब देखेंगे। क्या बात है। तो चलिए इस सेशन की जो शुरुआत है, एक मेरा, मैं यहाँ पे थोड़ा स्वार्थी हो रहा हूँ, देखिए आपके गाने भी करेंगे, लेकिन एक जो मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है वो गाना है मैं घास काटूं लो, तो उस गाने के साथ अगर शुरुआत हो जाए। मैं घास काटूं लूं तो पुआ बांधी ले, मैं घास काटूं लूं तो पुआ बांधी ले, हाईवे मैं करूं लूं यादा नरना भी ना वे, हाईवे मैं करूं लूं यादा नरना भी ना वे, देन अंगुले की मुनड़ी दी जाए, देन अंगुले की हाईवे धरूलू निशानी नरना भी नावे। क्या बात है, बहुत कमाल। तो ये जो जर्नी 30-35 सालों की रही, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई ये जरा बताइए। हमारी मुलाकात एक, मैं बॉम्बे से हूँ, ऐसे बॉम्बे में ही रही, बॉम्बे में ही पढ़ाई हुई थी, तो हम लोग कोटद्वार आए थे, तो एक जैसे रामलीलाओं का सीजन होता है, तो रामलीला में मुझे कहा गया कि आप एक गीत गाने के लिए आइए, तो उस टाइम मैं पहली बार मैंने इनको भी देखा था, तो बड़े अच्छी उंगलियाँ चल रही थी, तो अच्छा लगा मुझे भी, तो इनकी उंगलियाँ चली, मैंने थोड़ा गला चला दिया। तो यह कि वो हमारी पहली मुलाकात रही और बड़ी अच्छी रही, क्योंकि वो मुलाकात आज 30 साल की हो गई है, तो अच्छा सफर ही रहा, बहुत बढ़िया सफर रहा। तो राजेंद्र सिंह जी, मुझे ईमानदारी से बताइए, देखिए पहली मुलाकात तो इत्तेफाक से हुई, पहले से दूसरी मुलाकात का इनिशिएटिव किसने लिया, आपने कि मैम ने? बस ये था कि जब पहली मुलाकात हुई तो दूसरी मुलाकात में सीधे शादी की बातें हुई। अच्छा। तो भाई हम शादी कर लेते हैं, काहे को इस प्यार के और उसके चक्कर में न पड़ करके, तो हमने सीधा एक अपना विवाह का ऑफर रखा, और ना, और उस टाइम हकीकत देखा जाए तो उस टाइम पे बड़ी दयनीय स्थिति और बड़ी हालात ऐसे होते थे कि पैसा, तो दरअसल जो पैसा का जो रनिंग हुई है वो 2000 के दशक में कलाकारों के पास पैसा आना शुरू हुआ, वरना उससे पहले तो कभी भी किसी कलाकार को पैसा भी नहीं मिलता था, और हम लोग सिर्फ एक उम्मीद पर जाते थे कि यार सिर्फ एक मंच पर मौका मिल जाए, या किसी कोई रंगारंग कार्यक्रम है, या रामलीला का कोई मंच है, वहाँ पर एक प्रस्तुति का मंच का मौका मिल जाए, अवसर मिल जाए, तो हमारे लिए वही बहुत बड़ा पैसा है जी। और ये जब कॉमर्शलाइज हुआ, जब पैसा मिलने लगा, तो ये 2000 के दशक के बाद थोड़ा सा कलाकारों को धीरे धीरे कंपनियाँ आई, कंपनियों में उनके कंपटीशन में कलाकारों को फायदा होने लगा, कि एक कंपनी कहने लगी हमारे वहाँ गीत गाओ हम तुम्हें इतना देंगे, दूसरी कंपनी कहने लगी भाई आज हमारे वहाँ करिए आप, तो कंपनियों की जो प्रतिस्पर्धा थी उसमें हमारे लोक कलाकारों को बहुत अच्छा फायदा मिला जब कैसेट की दुनिया शुरू हुई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोगों के बारे में मेरे को एक जो अच्छी चीज लगती है कि आप अपना म्यूजिक भी करते चले गए, लेकिन साथ साथ जो है रोहित, बिकॉज मैं इतनी छोटी सी उम्र में, मैं एक दिन उसका इंटरव्यू कर रहा था, हम लोग बातचीत कर रहे थे 2-3 लोग, तो मैंने कहा कि ये भी स्कूल जा रहा था, हम भी स्कूल जा रहे थे, ये अपने गाने गा रहा था, हम इसके गाने गा रहे थे। तो ये कैसे हुआ, ये कॉल उसकी थी या आपको लगा कि इसके अंदर भी शायद वही चीजें हैं जो हम में हैं, ये कैसे हुआ? एक्चुअली खैर अब मम्मी पापा के अंदर थोड़ा बहुत संगीत है, तो बच्चे के अंदर आना जायज़ बात है, स्वाभाविक है। तो ऐसी एक दिन एक गा रहा था, तो हम एक प्रोग्राम में थे शालीमार गार्डन दिल्ली में ही, तो छोटे छोटे बच्चे डांस कर रहे थे, गा रहे थे, तो ये छोटा सा ही था, 7-6 साल का था, तो मैंने कहा देखो रोहित ये बच्चे कितने अच्छी तरह डांस कर रहे हैं, गा रहे हैं, और एक तुम हो कि लोग बोलेंगे कि देखो कल्पना जी हैं, उनका उनके घर से उनके बच्चा है, वो गाता ही नहीं, मेरे साथ ही जाता था, तो इसको भी पता नहीं क्या, इसने कहा चलो मैं गाता हूँ, तो इसने एक गीत ऐसे जाकर प्रीतम भाई का सुना दिया। हाँ, तो इसने इतना बढ़िया गाया कि मैं खुद रोने लग गई, क्योंकि मैंने पहली बार, मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मतलब ये इतना अच्छा गाता है।
तो इसके पापा भी थोड़ा भावुक हो गए, मैं भी भावुक हो गई कि यार ये इतना बढ़िया गाता है और हम इसको बेकार ही मतलब वो कर रहे थे कि तू गाता नहीं है गाता नहीं है। उसके बाद फिर इसने हमने सोचा कि एक गीत बनाते हैं इसके लिए, तो एक मैंने हमने गीत बनाया था फौजी के ऊपर जिसमें माँ बेटे का गाना था और रोहित ने और मैंने गाया था, तो वो गीत इसने गाया। तो उसके बाद फिर इसका जो सफ़र है वो चलता गया, तो अच्छा लगा कि मतलब हम कल को अगर हम रहें या ना रहें तो कम से कम रोहित के माध्यम से लोग हम लोगों को याद करेंगे। बिल्कुल। और उसके बाद तो इतने गाने, पौड़ी का बाजार हो गया, टिहरी पे हो गया, चांदी बटन हो गया, धन सिंह की गाड़ी हो गया, हाँ इतना एकदम से ये सारी चीज़ें। तो आज जब आप 30-35 सालों से राजेंद्र सिंह जी आप कर रहे हैं, म्यूजिक दे रहे हैं और इतना समय आ गया है, मतलब मैं वही कहता हूँ कि कैसेट का ज़माना, फिर सीडी का ज़माना, फिर पेन ड्राइव का ज़माना, फिर रेडियो स्टेशनों में, और आज जो है डिजिटली यूट्यूब पर भी गाने लॉन्च हो रहे हैं ना, तो इस पूरी जर्नी को आप किस तरह से देख रहे हैं? ये देखिए समय के साथ साथ धीरे धीरे जूँ जूँ, पहले कैसेट का ज़माना था, बड़ी तादाद में लोग कैसेट के टेप रिकॉर्डर जब शुरू हुए तो लोगों ने टेप खरीदने शुरू कर दिए, फिर उसके बाद सीडी का चलन चला, सीडी प्लेयर लोगों ने खरीदे, और आज भी यूट्यूब पर लोग नए नए बच्चे आ रहे हैं देखिए, और आज एक होड़ सी लग गई है, वो मैसअप वाला जो एक चल रहा है वो एक होड़ मची हुई है मार्केट में कि जो नए बच्चे आ रहे हैं वो बहुत ईजी रास्ता ढूंढ रहे हैं और वो तुरंत ऐसा ढूंढते हैं कि यार कुछ बना बनाया मिल जाए और उसमें ही थोड़ा सा हम नमक मिर्ची लगा करके यार उसी में अपना नाम कमा लें जी। तो ये मैसअप का भी चल पड़ा है और आजकल यूट्यूब का ज़माना है तो यूट्यूब चैनल तकरीबन सब कलाकारों ने बना दिए हैं और यूट्यूब पे बहुत अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है जी। और घर घर में एंड्रॉयड फ़ोन तो हर एक के पास है, फ़ोन के माध्यम से आज की न्यू जनरेशन, एक हमारी उत्तराखंड की जो लोक संस्कृति के लिए काम कर रही है, बोली भाषा के लिए काम कर रही है, वो बड़ी तेज़ी से मतलब एक माहौल बन रहा है इस चीज़ का। लेकिन मैं बुरा नहीं मानती हूँ, अगर मैसअप हो रहा है तो इसको बुरा हमें नहीं मानना चाहिए, क्योंकि कुछ गीत इतने पुराने हैं जो अब के बच्चों ने सुने नहीं है, बल्कि यहाँ तक कि जो इनसे पहले की भी जनरेशन रही होगी उन्होंने भी नहीं सुने होंगे। अगर हम बच्चे अगर उन गीतों को गा रहे हैं, ला रहे हैं, गा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कम से कम हमारे जो पुराने लोकगीत हैं, जो हमारी संस्कृति जिसके अंदर झलकती थी, आजकल के बच्चे तो डीजे वाले हो गए, थोड़ा सा रैप हो गया, पॉप हो गया, वो करते, लेकिन कम से कम उस गीत उन्हीं चीज़ों में अगर हमारे अपने उत्तराखंड की संस्कृति की अगर झलक दिखती है तो ये बुरा नहीं है मेरे हिसाब से। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर मैं खुद की बात करूं, शायद मैंने फ्वां भागा रे नहीं सुना था, नहीं सुना था, या चेता की चेतवाल भी मैंने नहीं सुना था, क्योंकि हम बहुत छोटे थे और उसके बाद बाहर पढ़ने वढ़ने चले गए तो नहीं वो इतना हुआ। आज वो गाने आ रहे हैं तो हमें भी अच्छा लग रहा है, तो अच्छी चीज है। और बस वही है कि ज्यादातर लोगों ने यही कहा कि हम उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन उनको प्रेजेंट अच्छे से किया जाए, बस बस ये है कि उसको प्रेजेंट अच्छे से करना, फिर ये नहीं भूलना है कि इसके अंदर हमारी संस्कृति लोक संस्कृति बसी हुई है, उससे उसे हटाना नहीं, अश्लीलता ना हो, कुछ इस तरह की चीजें ना हो, चीजें ना हो, वो खूबसूरत लगे। हाँ। जैसे चैत के चौताली भी बहुत बढ़िया रहा, अफवाह बाबा रहा भी बहुत ही बढ़िया रहा, तो ऐसे बच्चे अगर पुराने लोकगीतों को अगर लेते हैं और उसे मैसअप करते तो कोई मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं, क्योंकि एक टाइम था कि जब हम लोग हमारे बच्चे सिर्फ पंजाबी गाने में डांस करते थे या फिर किसी अदर भाषा में गाते, तो कम से कम हमें खुशी होनी चाहिए कि हमारे बच्चे अपने गीतों पर डांस कर रहे हैं, अपने गीतों को सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और अफवाह बाबा रहा की जब बात चल रही है तो पप्पूदा के साथ में आप ही ने उसको गाया है, तो मैं चाहता हूं अगर हो जाए थोड़ा सा। बल गुठारी को कीच, हाँ गुठारी को कीच, अरे पहली पहली बाग गई, पहली पहली बाग गई, लंच डॉन का बीच मेरा पहा बाग रे, लंच डॉन का बीच मेरा पहा बाग रे, बल मारी जालू मेरा, हाँ मारी जालू मेरा, अरे गढ़वाला माँ बाग लगी, गढ़वाला माँ बाग लगी, बाग की है डेरा मेरा पहा बाग रे। हा हा हा, क्या बात है। तो नया वाला तो आपने गाया है और इससे पहले जो वर्जन आया था उसका संगीत आपने दिया जी, था जी, है ना, तो जी ने गाया था। बिल्कुल, चंद्र सिंह राही जी ने। उसकी कहानी बताइए कि किस तरह से ये गाना बना। ये नीलम कंपनी में हम लोग उस वक्त काम करते थे जी। और ये 98 की बात है कि राही जी ने कहा यार कुछ गानों का मुझे चौहान जी एक पुराने गीतों का एक एल्बम बनाना है, तो मैंने राही जी से कहा कि आपका एक स्टेज, राही जी ने पहले भी वो रिकॉर्ड किए हुए थे गीत, रेडियो वगैरह से भी था उनका और एक किसी और कंपनी में भी राही जी ने वो गीत रिकॉर्ड किए थे, तो मैंने कहा इसको जरा और बढ़िया अच्छी आवाज़ में जब जाएगा
तो ये बहुत अच्छा कमाल करेगा। तो 8 गीत हमने उसमें रिकॉर्ड किए, तो 8 गाने में से अभी धीरे धीरे वो राई जी के अब मार्केट में आ रहे हैं, जैसे फां बागर अभी हिट हुआ, एक राई जी का और निजाणू मेरी बोई सुरीला, तो ये बहु सुरीला का भी गीत उनका बहुत फेमस है, और एक गीत उनका राग भैरवी में है वो जरा ठंडू चला दे जरा मठू चला दे, मेरी चादरी छूट के पिछने जरा मठू चला दे, तो इस तरीके के बहुत सारे, मेरी बिगरेली बसंती नाचिले छमा छम और भानाए रंगीली भाना जी। ये इस तरीके के हमने बहुत सारे गीत उनके रिकॉर्ड किए, और अब वो जब पता नहीं था, जब देखो आज राही जी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कि उनकी आवाज़ उनके गीत जो युवा पीढ़ी अब उठा रही है एक एक करके, और वो जिस तरीके से हिट हो रहे हैं उनके गीत, तो राही जी से उस वक्त हमने यही कहा कि उन पुराने गीतों को हम रिकॉर्ड करते हैं और सिर्फ ट्रेडिशनल हारमोनियम और तबले पे किए वो सिर्फ जी, जी। उसमें हमने ना तो कोई बांसुरी रखी ना किसी तरह का कोई मैंडोलिन गिटार वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ हारमोनियम और एक सिंपल तबला, और राही जी ने बिल्कुल स्टेज वाले अंदाज में हमने उसको रिकॉर्ड किया, और वो आज धीरे 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 पूरे पूरे देश दुनिया में उनकी आवाज़ आज भी वो कामयाब हो रही है, और आने वाले टाइम में जो और उनके रिकॉर्ड किए हुए हमने गीत वो भी हम अपने श्रोताओं को दर्शकों तक पहुंचाएंगे धीरे धीरे। तो आप एज ए म्यूजिक डायरेक्टर और इतनी सारी चीज़ें करते रहे इतने सालों में, आज जब मैं बहुत सारे नए आर्टिस्टों से मिलता हूं उनसे कहता हूं कि यार आपके जो सीनियर हैं वो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप कुछ ओरिजिनल क्रिएट करें कुछ उस तरह का, तो वो कहते हैं कि बजट नहीं होता इसलिए हम इतने हमारे जो वाद्य यंत्र हैं हमारे पास इतने कुछ हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम मिडी पे कीबोर्ड पे जैसे भी हो हम कर लेते हैं, लैपटॉप पे ही म्यूजिक बना दे रहे हैं, तो उनकी ये रहती है कि बजट नहीं होता। आपके टाइम पे क्या होता था? हमने सबसे पहले जो इंडस्ट्रीज में सबसे पहला वीडियो आया जी वो कल्पना जी का आया, हाँ। उत्तराखंड की लोक संस्कृति के इतिहास में, हाँ। ये भी एक संदेश है कि सबसे पहला जो वीडियो VCD बना जी, तो वो कल्पना जी का बना, उस कैसेट का नाम था मेरु वीडियो को ब्योछर है, तो वो हमने मसूरी में शूट किया। उसके बाद कंपनी बजट नहीं देती थी, तो हमारे साथ एक बहुत बड़ी समस्या होती थी कि हमें एक दिन में ही 8 गीत फिल्मांकन करने, 8 गाने और एक साथ 8-10 कलाकारों का मेकअप शुरू हो गया, हाँ। सुबह उठ के 4 बजे उनका मेकअप शुरू हुआ और लाइन से खड़े कर दिया, बस वो एक फ्रेम बनाया, और वो कैसेट जब हम मार्केट में लॉन्च हुआ तो वो सुपर डिपर हिट चल रहे जी। प्रोड्यूसर के पास पैसा आ रहा है तो प्रोड्यूसर हाँ। और भी बना रहा है जी। और जैसे ही प्रोड्यूसरों ने जब फिर दौर आया कि नहीं यार अब क्वालिटी चाहिए और क्वालिटी चाहिए, तो फिर कंपटीशन होने लगा, तो एल्बम पे बड़ा बजट खर्च होने लगा, मतलब वो 20,000 वाला बजट 1.5 लाख में कन्वर्ट हो गया, और जब 1.5 लाख में हुआ तो प्रोड्यूसर की आमदनी कम हो गई, तो प्रोड्यूसर भी धीरे 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 हाथ खींचने लगे। एक समय ऐसा आया कि सारी कंपनियों ने वीडियो एल्बम ऑडियो सब बंद कर दिया, फिर ब्रेक हुआ, फिर कुछ समय के बाद फिर ये दौर चला, लेकिन आज भी सिर्फ जो कलाकार बना रहे हैं या प्रोड्यूसर बना रहे हैं वो एक गीत, अब तो पहले 8 होते थे जी। पहले एक नियम था कि 8 गाने एल्बम के रिकॉर्ड भी एक साथ होते थे, ऑडियो हाँ, भी और शूट भी एक साथ होने, हाँ, अब जमाना थोड़ा चेंज आ गया कि अब एक गाना रिकॉर्ड होगा ऑडियो और एक ही गाना फिल्मांकन होगा, तो अब बहुत सहूलियत हो गई है, हाँ, हाँ, उस जमाने में तो सहूलियत थी नहीं, बड़ा टेंशन बड़ा सरदर्द था, अगर जरा सा मौसम खराब हो गया तो 8 गानों की एवरेज और खराब हो गई, ये भी एक बड़ा संकट, बहुत मतलब इस क्षेत्र में बड़े संकट झेलने पड़े शुरू में। तो आप जब और बजट क्या 20,000 आप 20,000 में 8 गाने करने हैं, तो एक दिन में होते कैसे थे ये? बस वो एक उसका एक शेड्यूल बनाना कि हर हाल में 6:30 बजे सुबह सेट पे पहुंचना है। कोई उदाहरण दीजिए कभी ऐसा हुआ हो आपने, जैसे अल्मोड़ा में हम लोग ठहरते थे जी। अल्मोड़ा से बाड़ी छीना, हमारे एक मित्र शेखर जोशी बहुत अच्छे हमारे मित्र थे, इस दुनिया में नहीं रहे, अभी 2 महीने पहले उनका इंतकाल हो गया जी। तो बाड़ी छीना जब हम पिथौरागढ़ के लिए जाते हैं अल्मोड़ा से, चिताई गोलजू के बाद अगला स्टेशन पड़ता है बाड़ी छीना जी। तो बाड़ी छीना से स्टार्ट प्रारंभ करी शूटिंग, धीरे धीरे करते 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 हम पनवानोला होते हुए आगे जागेश्वर धाम तक पहुंच गए, और शाम के 7 बजकर 8 गाने हमारे कंप्लीट हो गए, शूट हो गए 4 बजे उठ जाते, क्योंकि उसके लिए हाँ, क्योंकि आजकल क्या होता है कि 11-12 बजे सेट पर पहुंचेगा आदमी, तो वो 11-12 बजे तक जब शुरू करेगा, इतने देर में हम 4 गाने 12 बजे तक का हमारा टाइम था कि 4 गाने हराल में शूट करने। अरे
और लोगों को क्या होता था कि चित्र दिखाई देना है, कलाकार दिखाई दे रहा है, एक चित्र वो एक वो रुझान था। और आजकल आप कितने चित्र दिखा दो, कितने एक्टर दिखा दो, 5 लाख 10 लाख में भी, 10 लाख का बजट वाला भी उतना पॉपुलर नहीं हो पा रहा है जितना हमारे 8 गाने उस वक्त होते थे एक साथ, जो मात्र 20,000 रुपए के बजट में होते। कमाल कर दिया ये तो भाई, नए बच्चे जो भी कह रहे ना कि बजट कम होता है, ये देखो यार 20,000 मतलब है 8 गाने एक दिन में, मतलब प्रेशर, टाइमिंग सब कुछ, और गाना सुपर हिट, कमाल है। अच्छा था वो दौर भी, अच्छा था, ऐसी बात नहीं। आज की थोड़ा भाग दौड़ की जिंदगी से वो दौर बहुत बढ़िया था। उस वक्त हमने जब वो नैनताला की मधुली किया, वो 8 गाने एक दिन में शूट किया, वो नैनताला की मधुली का वीडियो प्रोड्यूसर रुपए ही नहीं संभाल पाया, वो आज भी कहता है यार चौहान जी ऐसा एल्बम एक और बनाओ। तो प्रोड्यूसर जिंदा रहेंगे तो इंडस्ट्री जिंदा रहेगी, कलाकार जिंदा रहेंगे और हमारी बोली भाषा संस्कृति जिंदा रहेगी। तो प्रोड्यूसर जो पैसे संभाल नहीं पाए, आपने बोलना था ना इधर दे दो मैं संभाल देता हूँ। वो फिर हुआ क्या कि वो हमारे 20,000 वाला जो बजट था वो फिर 2 लाख वाले में बर्बाद हो गया ना, उसको बर्बाद करने वाले भी और बैठे थे वहाँ। क्या बात है, अत्यधिक मीठा भी कई बार खराब हो जाता है ना। हमने तो दिए कमा के तो उसने कहीं और कमा दिए। ये हुआ, ये खतरनाक है। ओके, तो कौन से वो गाने हैं जिसके साथ में आज के हम इस सेशन हाँ एक लोकगीत एक सुनाते हैं कल्पना जी का, जो बहुत पॉपुलर रहा। गाड़ो गुलो बंदा गुली बंद को नगीना, अरे तुम थे मेरी सास बारों की अगीना। हाँ गाड़ो गुलो बंदा गुली बंद को नगीना, तुम थे मेरी सास बारों की अगीना। बंदा गुली बंद को नगीना, तुम थे मेरी सासू बारू की अगीना। अलमोड़े बजारे का मेला ना मारे लटका, अलमोड़ा बजारे का मेला ना मारे लटका, ना मारे लटका तू ना मारे झटका, ना अलमोड़े बाजारे का मेला ना मारे लटका है, अलमोड़े बाजारे का मेला ना मारे लटका। क्या बात है, इससे कमाल एंडिंग क्या हो सकती थी। बहुत शुक्रिया कल्पना जी, और खासकर ये जो आपने पहना हुआ है, मतलब पूरे वीडियो में जितने पहाड़ वाले हैं वो तो इसको समझते हैं, जो नहीं समझते ये हमारे यहाँ की पारंपरिक पोशाक है बिल्कुल, और जितना हम उसको प्रमोट कर सकें। आपको बहुत थैंक यू, आपको दिल्ली NCR के वो 35 लाख लोगों की तरफ से और हम लोगों की तरफ से कि यू नो हमारे कल्चर को आप वहाँ पे जीवित रखने की कोशिश कर रहे हैं। एक संदेश कल्पना जी देना चाहेंगी? मैं रेड FM के माध्यम से एक संदेश देना चाहती हूँ कि हमारे दिवाली के बाद हमारा एक त्यौहार आता है जिसे हम इगास कहते हैं, और मैं चाहती हूँ कि हमारे उत्तराखंड के जितने भी लोग देश परदेश में हैं वो लोग ज़रूर अपने उत्तराखंड जाएं, अपने गांव में जाएं और अपने पितरों की उस भूमि में एक दिया जलाएं उस इगास में। और मैं क्योंकि मैं भी जाऊंगी इस बार, मैं कोशिश पूरी करूंगी कि मैं इस बार इगास में अपने गांव जाऊं और वहां पर दिए जलाऊं और अपने इस त्यौहार को बड़े खूबसूरत तरीके से मनाऊं। बिल्कुल, क्या बात है, बहुत कमाल की बात है। और मैं चाहूंगा यू नो जिस तरह से मैं अभी कुछ दिनों पहले किसी को कह रहा था कि हमारे यहाँ डांडिया तो लोकप्रिय हो गया, दुर्गा पूजा लोकप्रिय होगी, लेकिन हमारी जो चीजें हैं वो कहीं पीछे पीछे बहुत पीछे। बिल्कुल बिल्कुल, कितने अच्छे ऐपण बनाते हैं हम लोग, देखिए दिवाली में कितना। तो ये सब चीज जब तक हम लोग प्रमोट नहीं करेंगे, हम लोग नहीं चाहेंगे, हम कहीं भी रहे लेकिन हमें अपनी संस्कृति से प्यार होना चाहिए और हमें उसे दिखाना भी चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए। हम और लोग कई तरीके से अपने अपने बोली भाषा को, तो हमें
भी अपने कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग भी अपनी संस्कृति को, अपनी बोली भाषा को, हमें खान पान, हमारे जो पहनावा है, हम उसे प्रमोट करें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आपको एपिसोड कैसा लगा, कुछ कहना चाहते हैं, कोई कॉमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया देखने के लिए। थैंक यू।